हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विनीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, जो बहुत ही हेल्दी होती है और टेस्टी भी होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले हम एक प्याज लेंगे, उसे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। लहसुन के 4 कलियाँ ले लेंगे और मिर्चा आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने लिया है 250 ग्राम जितना चावल और 250 ग्राम जितना हम मूंग दाल भी लेंगे, क्योंकि आधा चावल आधा दाल रहेगा तभी टेस्ट ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा खिचड़ी। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून हल्दी डाल लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल लेंगे। नमक डाल के सबको हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से। करीब 5 से 10 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम पानी डालकर इसे पका लेंगे। सीटी लगा लेंगे इसमें कुकर में। उसके लगाने के बाद अब हम छौंका, देखिए बन के तैयार है, हम छौंका लगाएंगे इसमें। इसके लिए हम प्याज लिए, प्याज, जीरा और लाल मिर्च और ये सब को डालकर हम छौंका लगा लेंगे। और अब हमारा खिचड़ी तैयार है। आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कैसे।